सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को डेली पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पर रहना है, ठीक है? और हाँ दोस्तों, आज है 13 मई 2021। हम देखेंगे 13 मई का करंट अफेयर। डेली आप हमारे साथ करंट अफेयर के सेशन में जुड़ते हैं और आज भी हम डेली की तरह आज का करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे। 13 मई के करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन होंगे सारे कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और आप पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब जगह आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है जोस जे कट्टूर, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है राजेश खुल्लर और ऑप्शन डी हो जाएगा सुधीर सीतापति। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जोस जे कट्टूर। तो रिजर्व बैंक की अभी एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुए हैं जोस जे कट्टूर। रिजर्व बैंक आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है ये। भारत के जितने भी मुद्रा से संबंधित कार्य होते हैं यही बैंक करता है। मुद्रा का निर्गमन करना, विदेशी मुद्रा पर निगरानी रखना, ये सारे कार्य रिजर्व बैंक करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। इम्पॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए। इसके अभी जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखिए। जोस जे कट्टूर नियुक्त हुए हैं कार्यकारी निर्देशक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है आपके एलन फिन, बीजे बार्टलिंग, कोरी एंडरसन और टिम साउदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजे बार्टलिंग। तो बीजे बार्टलिंग ने, ये विकेट कीपर है न्यूजीलैंड के, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कौन है? विकेट कीपर। और बीजे बार्टलिंग, नाम याद रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बीजे पाटलिंग। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन जो है उसको देने का लक्ष्य रखा है, उसको देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? मिशन देख लीजिए कौन सा है, जल जीवन मिशन। ऑप्शन है आपके पांडिचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडिचेरी, पुडुचेरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य रखा था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें सभी जगह 100% पाइप कनेक्शन देने का लक्ष्य, तो ये हासिल कर लिया है पुडुचेरी ने। ठीक है, तो पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ये लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पुडुचेरी। ठीक है, याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे अब? ऑप्शन ए है G20, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है क्वाड शिखर सम्मेलन और ऑप्शन डी है पृथ्वी सम्मेलन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G7। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कोरोना महामारी। तो जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसी के कारण, COVID-19 जो तेज़ी से फैल रहा है उसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ होने वाला था? ब्रिटेन में होने वाला था। तो यह जो सम्मेलन है, विदेश मंत्रालय ने, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ये जानकारी दी कि नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में अब शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, G7। अच्छा, इस समूह में कौन कौन है? G7 समूह है, तो इसमें 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है।
ठीक है, तो ये इसके समूह के सदस्य देश हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं, इनका ये सम्मेलन है। इसमें ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम देख लीजिए, क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इन्होंने आमंत्रित किया था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अब कोरोना महामारी के चलते, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ये इसमें भारत जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो ब्रिटेन का अपना जो दौरा है नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन बार रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। तो असम की जो सरकार है, असम का जो राज्य है, उन्होंने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम जो राज्य है, आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली जो मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी, तो ये एक एप्लीकेशन तकनीक पर आधारित होगी और इसका जो अभी है शुभारंभ किया है असम राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जो कार्डधारी होते हैं उनके लिए रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जो है उसने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से जो नीचे हैं बीपीएल कार्डधारी जो हैं उससे नीचे वाले लोगों को, परिवारों को मदद करने के लिए 5-5 हज़ार की आर्थिक सहायता देगा हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि वो 5-5 हज़ार की सहायता देगा। तो ज़्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन में कड़ी पाबंदियां लागू कर रहे हैं, वहीं हरियाणा ने ऐसी योजना बनाई है, ऐसी घोषणा की है कि वो अपने यहाँ के जो लोग होंगे जो कि रोजी रोटी के लिए परेशान हैं आज के टाइम पर, तो उनको ये आर्थिक सहायता हरियाणा राज्य देगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड पैन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोबी वैन हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो ये हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ध्यान दीजिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन है कोबी वैन हेल्पलाइन। तो कोविड से रिलेटेड ही है कोबी वैन, कोविड से रिलेटेड ही है। जो कोबी के मरीज होंगे उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, दूसरा ऑप्शन है रोजर फेडरर, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, उसके बाद चौथा ऑप्शन है सानिया मिर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है, यह अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर 170 लुप्त प्राय सील्स मृत मिली हैं? ऑप्शन ए है डेगिस्तान, ऑप्शन बी है चेक गणराज्य, ऑप्शन सी है त्रिनाद और टोबैको, ऑप्शन डी है जाफना द्वीप। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेगिस्तान। डेगिस्तान रूस में स्थित है, रूस का एक गणराज्य है। तो मॉस्को मरीन मैमल्स रिपोर्ट सेंटर के शोधकर्ताओं ने जानकारी दी कि रूस के डेगिस्तान गणराज्य में कैस्पियन सागर के तट पर पिछले कई दिनों के दौरान कम से कम 170 जो लुप्त प्राय सील थी उनको देखा गया है। तो ये कैसे मरी, इसका कारण यही बताया जा रहा है कि इनको पकड़ने के दौरान, मछलियों को जो पकड़ा जाता है उसके दौरान, शिकार के दौरान या फिर आपदा जो आती है जलवायु परिवर्तन उसके दौरान भी, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी ये मछलियाँ मर सकती हैं। तो कोई एक विशेष कारण निश्चित नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इतनी सारी मछलियों के मरने के। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण भी इसका एक कारण बताया जा रहा है। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं, परिवर्तन होते हैं, सभी से मछलियों को नुकसान पहुंचता है। और एक लुप्त प्राय सील्स मृत थी जो कि मृत पाई गई कहाँ पर, डेगिस्तान जो है जगह है, रूस में स्थित है, यहाँ पर कैस्पियन सागर के तट पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका
ये भी याद रखिए, ये कहाँ पर है, तो ये रूस में स्थित है, ठीक है, मॉस्को के निकट कैस्पियन सागर के तट पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने किस वर्ष पहले क्वार्टर में डोक वन मिशन टू द मून, यहाँ पर मून है, टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023 और ऑप्शन डी है 2024। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2022। तो स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की एक निजी कंपनी है, एलन मस्क इसके हेड हैं, एलन मस्क की ये कंपनी है स्पेस एक्स। तो इसने पहले क्वार्टर में 2022 का जो पहला क्वार्टर होगा, यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में ही ये मून का मिशन है, डोग वन मिशन मून का मिशन है, चंद्रमा पर जाएगा ये मिशन, तो ये लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो याद रखो, सिंपली आपको इतना याद रखना है कि कब लॉन्च होने वाला है, 2022 में। डोग वन आपसे पूछ सकते हैं मिशन किससे संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है, ये चंद्रमा का मिशन है। उसके बाद आपसे स्पेस एक्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो याद रखिए स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की, तो ये याद रखिए। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, हेमंत बिस्वा सरमा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ऑप्शन है आपके बिहार, तेलंगाना, असम या फिर कर्नाटक। राइट आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी आपको आंसर सही लगे इसका आंसर कीजिए। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं उनसे ईजिली इसका आंसर बन जाएगा। तो आपको करंट अफेयर का वीडियो डेली देखना है, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होता है, आपको डेली फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो डेली देखते जाएंगे ना, तो आपको एकदम से एक साथ जब आपके एग्ज़ाम होना शुरू होंगे, आपको सारा करंट अफेयर एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, और आपसे इजीली सारी चीज़ें आपकी रिमाइंड हो जाएंगी, आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो करंट अफेयर का वीडियो है डेली बेसिस पर इसको फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप पूरा इसको कवर करें। और हाँ गाइस, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। अगर कोई अति आवश्यक काम ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और अपनी सुरक्षा अपने आप से करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।